बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लोकेटर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट उसामा खुर्शीद। व्यूअर्स, आज हम DHF V6 लाहौर में मौजूद इस दो कनाल के लग्जरियस फुल फर्निश्ड 5 बेडरूम हाउस का हाउस टूर करेंगे, जो कि मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है। घर बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है और इसका फ्रंट एलिवेशन आप देख ही सकते हैं कि डार्किश ग्रे टोन में इसको रखा गया है और बहुत ही एलिगेंट तरीके से इसका इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ कि ये घर एक DHA के रिनाउंड आर्किटेक्ट मज़र मुनीर साहब की तरफ से बनाया गया है, यानी डिज़ाइन उनका है और फर्निश भी उनकी तरफ से किया गया है। सो इस वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है। इस घर की जो डिमांडिंग प्राइस है वो है 35 CR, यानी 35 करोड़ इस घर की डिमांड है। और इस घर के बहुत से हाईलाइटेड फीचर्स हैं जो कि स्टार्ट में मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले इसकी लोकेशन है, ये DHA V6 लाहौर की एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पर लोकेटेड है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये देखें, 70 फीट रोड पे ये घर लोकेटेड है। और उसी के साथ साथ DHA राया और DHA गोल्फ कोर्स और फेयरवेस्ट कमर्शियल जो है DHA का, उसके बिल्कुल नियरेस्ट ये घर लोकेटेड है। इस घर की ये कुछ खसूसियात मैंने आपको बता दी हैं। अब हम चलेंगे इस घर के हाउस टूर की तरफ। अंदर जाने से पहले मैं आपको यहाँ से इसका जो फ्रंट एलिवेशन का व्यू मिलता है वो अगेन दोबारा चेक करवा रहा हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरती से इसका डिज़ाइन किया गया है। और ये है इसका बाहर का लॉन एरिया, बहुत ही एलिगेंटली इसको मेंटेन किया गया है। और ये ग्रीन लश एरिया भी आप चेक कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये है इसका कान रैंप जहाँ पे टफ टाइल की फ्लोरिंग है। और ये मेन गेट है जिसको ब्लैक कलर में पेंट किया गया है, जो कि स्लाइडिंग डोर है। नीचे आप व्हील देख सकते हैं, इसको स्लाइड करके साइड पर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ओपन स्पेस आ जाती है। ये इस घर की मेन एंट्रेंस है। आप घर में एंटर करते हैं तो घर का काफ़ी स्पेशियस कारपोर्च है जहाँ पे 4 बड़ी गाड़ियाँ तो बहुत ही इजीली पार्क की जा सकती हैं। और इस कारपोर्च का सीलिंग डिज़ाइन भी चेक कर लें, प्लांटेशन जगह जगह पे यहाँ की हुई है। सामने प्लांटर्स को भी लगाया गया है। और यहाँ से मैं आपको दिखाता चलूँ, लेफ्ट साइड पे ये है इसका इनर लॉन एरिया। व्यूअर्स, इसका इनर लॉन एरिया का पैच देखें कि कितना खूबसूरत और एलिगेंट है। प्लांट्स देखें कितनी खूबसूरती से यहाँ प्लेस किए गए हैं। इसके ये जो बाहर का एरिया है, पहले हम ये देख लें जहाँ पर इसका वाटर फीचर भी एक है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये आप चेक कर सकते हैं, ये है इसका वाटर फीचर जो कि राइट और लेफ्ट साइड पे प्लांटर्स को भी लगाया गया है। सामने सिटिंग स्पेस बनाई गई है और ये बहुत ही ज़बरदस्त आपके पास सिटिंग प्लेस है जो कि आप यहाँ पे बैठ के इस जगह पे वेदर को एंजॉय कर सकते हैं। इस जगह को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप डेकोरेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये है इस घर का इनर लॉन एरिया। और उसी के साथ साथ अब हम चलेंगे इस घर के अंदर की तरफ। घर बहुत लग्जीरियस, बहुत खूबसूरत है, इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त किया गया है और डिमांड 35 करोड़ रुपये है। इस घर की डिमांड मैंने आपको बता दी है। अब इस घर की 35 करोड़ डिमांड क्यों है वो इस घर को देख के आपको पता लग जाएगा। सो व्यूअर्स, ये जो इसका मेन एंट्रेंस एरिया है, यहाँ से देखें कितना लैविश किस्म का आपको व्यू मिलता है और कितना स्पेशियस व्यू मिलता है। और सामने है इसका मेन एंट्रेंस डोर। एंट्रेंस डोर पर जाने से पहले 3 स्टेप्स अब ऊपर जाते हैं तो आप घर में एंटर करते हैं। इधर आप चेक कर लें फ्लोरिंग, और यहाँ लेफ्ट साइड पर भी प्लांट्स को लगाया गया है और इधर राइट साइड पर भी आपको प्लांट्स वेलकम करते हैं। और यहाँ से व्यूअर्स अब हम घर में एंटर करेंगे तो आप इसकी शानदार लॉबी देख के कह उठेंगे कि वाकई ही माशाल्लाह। अब जैसे घर में एंटर करते हैं तो ये है इसका डबल हाइटेड लॉबी का व्यू, जिसमें बहुत खूबसूरत ये हैंगिंग लाइट्स देख लें। और इसका सीलिंग का डिज़ाइन ओवरऑल आप चेक कर सकते हैं ऊपर रूफ पे। और ये सेंटर में कंसोल रखा गया है जहाँ पे मल्टीपल डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं। और राइट साइड पे स्टेयर्स हैं जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ एक्सेस देती हैं। उसके बिल्कुल साथ ऑफिस रूम बनाया हुआ है और ऑफिस रूम के बिल्कुल साथ ही ये है इसका पाउडर रूम। पाउडर रूम में एंटर होते हैं तो वैनिटी, ऊपर मिरर, वॉल फिटेड कमोड, और सामने आप कॉम्बिनेशन चेक कर लें टाइल का। व्यूअर्स, ये है इसका ऑफिस रूम जहाँ पे फ्लोरिंग कम्प्लीटली वुडन की बनाई गई है। ब्यूटीफुल हैंगिंग लाइट्स, सामने कर्टन्स लगाए गए हैं, सिटिंग चेयर रखी हुई है और वॉलपेपर मैं आपको दिखा दूँ, हैंडक्राफ्टेड पेंटिंग्स हैं, डेकोरेशन पीस है। और ये मेन चेयर है, ये इसका ऑफिस रूम है। और ऑफिस रूम के आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल सामने राइट साइड पर यह है डाइनिंग एरिया और उसके साथ है इसका ड्राइंग रूम। सो व्यूअर्स, सबसे पहले हम ड्राइंग रूम में एंटर करते हैं। ड्राइंग रूम का ये एंट्रेंस डोर देख लें, और इसमें जब आप एंटर करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सिटिंग पैटर्न पे आपको इसका ड्राइंग रूम डेकोरेट किया हुआ नज़र आता है, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कलर थीम यूज़ की गई है। और सामने आप सोफ़ाज़ में देख रहे होंगे ब्रास को यूज़ किया हुआ है। सेंटर में खूबसूरत शैंडिलियर हैंग कर रहा है। इसके सीलिंग का डिज़ाइन देख लें और बहुत ही खूबसूरती से इस जगह को डिज़ाइन किया हुआ है। नीचे ये रग देख लें मल्टीपल कलर थीम के साथ, और डेकोरेशन पीसेस भी यहाँ पर रखे हुए हैं। साथ में इधर से मैं आपको दिखा दूँ, 2 AC लगाए हुए हैं इस ड्राइंग रूम में ग्री कंपनी के। कर्टन्स भी यहाँ पे आगे देख लें आप।
ये ड्राइंग रूम और डाइनिंग में ये सेंटर में ये वॉल है जो कि सेपरेट करती है। इधर सेंटर में आप नीचे देख लें, फायर किट को लगाया हुआ है, लाइट ग्लोब्स लगे हुए हैं। और इसकी बैक साइड पे है इसका डाइनिंग रूम, ये मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से, ये है इसका डाइनिंग रूम। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप डायरेक्ट यहाँ ड्राइंग से भी अपने टीवी लाउंज में एंटर कर सकते हैं। ये एरिया मैं आपको बाहर जाके अभी दिखाऊंगा। व्यूअर्स, ये है इसका डाइनिंग एरिया और ये देख लें खूबसूरत शैंडिलियर, बहुत खूबसूरत डाइनिंग स्पेस यहाँ बनाई गई है। और इधर राइट साइड पे भी अगेन वही लाइट ग्लोब्स जो कि ड्राइंग रूम वाली साइड पे लगे हुए हैं और उसी के साथ डेकोरेशन पीसेस को रखा गया है। सामने से आप सेपरेटली भी एंटर कर सकते हैं इस डाइनिंग एरिया में। इसमें एक और चीज़ भी है जो कि वो है होम थिएटर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है व्यूअर्स इसका फर्स्ट फ्लोर पर जाते हुए स्टेयर्स का डिज़ाइन, जिसके नीचे वाले स्पेस पे आप चेक कर लें कि ग्रीन एरिया डिज़ाइन किया हुआ है और प्लांटर्स को लगाया हुआ है खूबसूरती के साथ। और सामने आप चेक कर लें ग्री कंपनी का चिलर एसी भी लगाया हुआ है, ये आप चेक कर लें। इसके बिल्कुल साथ ही होम थिएटर है, आप इसमें एंटर होते हैं तो ये राइट साइड पे इसकी प्रोजेक्टर स्क्रीन बनाई हुई है, ऊपर आप देख लें स्टार लाइट्स को लगाया हुआ है बहुत ही खूबसूरती से। ये इसके सिटिंग सोफाज हैं और ये मैं आपको यहाँ से इसकी जो वॉल का डिज़ाइन है वो भी चेक करवा देता हूँ, ये आप देख लें। और आप जैसे ही अपने होम थिएटर से बाहर आते हैं तो यहाँ पे वॉल पे आपको खूबसूरत कंसोल नज़र आ जाता है और इधर आप देख सकते हैं लाइट ग्लोब्स अगेन लगे हुए हैं, सेंटर में ग्लास है और उसके बैक साइड पे रॉप लाइट को लगाया हुआ है। व्यूवर्स, मजीद यहाँ से आगे बढ़ेंगे घर के प्लान की तरफ। सामने डोर है, आप इसको ओपन करते हैं तो टीवी लाउंज आ जाता है। उससे पहले मैं आपको इसका किचन का एरिया दिखा दूँ। किचन में आप देख लेंगे इसका स्लाइडिंग डोर लगाया गया है, जिसमें आप एंटर होते हैं तो बिल्कुल सेंटर में फोर स्टोव बर्नर है, उसके ऊपर किचन हुड लगाया हुआ है। राइट साइड पे LG कंपनी का रेफ्रिजरेटर, उसी के साथ इलेक्ट्रिक और माइक्रोवेव ओवन, कैबिनेट की काफ़ी ज़रा स्पेस यहाँ पे बनाई हुई है और काफ़ी स्पेशियस ये किचन है ओवरऑल। ये आप चेक कर रहे हैं इसके किचन का व्यू, किचन में सामने LED भी लगाई गई है और ऊपर आप चेक कर लें AC भी लगाया हुआ है। साथ में वहाँ राइट साइड पे आप देख लें वॉश बेसन और उसके ऊपर वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए विंडोज़ को लगा दिया गया है, सॉरी बनाया गया है। और ये है इसका सर्विस किचन, जिसमें आप एंटर हुए हैं तो बिल्कुल सामने 5-स्टोव बर्नर है और ये है इसकी स्पेस कैबिनेट के लिए। यहाँ पे ग्रेनाइट को लगाया गया है स्लैब को बनाने के लिए। और ये है राइट साइड पे वॉश बेसन, ऊपर आप देख लें इसका वेंटिलेशन पर्पस के लिए बनाई गई विंडोज। यहाँ से जब आप बाहर आते हैं तो कुछ इस तरह का किचन का ओवरऑल आपको व्यू मिलता है। सामने इसकी फीचर वॉल देखने की कितनी खूबसूरत है, आपको किचन में ही इतनी लग्जरियस वॉल मिल रही है जो कि मीडिया वॉल नॉर्मली आपको ड्राइंग रूम वगैरह में या टीवी लाउंज में आपको मिलती है। और व्यूअर्स, ये है इसका किचन, किचन से बाहर आके बिल्कुल सामने डाइनिंग रूम। और राइट साइड पे अगर आएंगे तो ये है इसका टीवी लाउंज, जिसको आप लिविंग एरिया भी बोल सकते हैं। टीवी लाउंज की स्पेस कुछ इस तरह से डिज़ाइन की हुई है बहुत ही खूबसूरती के साथ, देखें कितना ज़बरदस्त कलर स्कीम यहाँ पे यूज़ की गई है और सीटिंग कैपेसिटी भी यहाँ पे ज़बरदस्त है। सामने आप देख लें इसके मीडिया वॉल, सेंटर में खूबसूरत हैंगिंग लाइट और काफ़ी ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी है। और इधर सामने फायर किट को भी बनाया गया है। अगेन इधर वॉल पे भी आपको कंसोल मिलता है और अगेन यहाँ पे लाइट ग्लोब्स को लगाया हुआ है विद ब्यूटीफुल डेकोरेशन पीसेस। आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट साइड पे इसका मास्टर बेडरूम है और एक सेकंड बेडरूम इसके राइट साइड पे है। इधर सामने वाली वॉल पे मिरर का यूज़ है। पहले मैं आपको यहाँ लेफ्ट साइड पे इसका मास्टर बेडरूम दिखा दूँ, जो कि वाकई ही मास्टर है और सुपर स्पेशियस है। नीचे फ्लोरिंग कम्प्लीटली वुडन की है और खूबसूरत इसका सीलिंग का डिज़ाइन भी आप चेक कर लें। आप इस जैसे ही बेडरूम में एंटर करते हैं तो यहाँ राइट साइड पर सबसे पहले इसका बेड प्लेस किया गया है। बैक साइड पे इसकी खूबसूरत बेड वॉल भी देख लें, जहाँ पे ग्लास, वुड और ब्रास का काम किया हुआ है ओवरऑल। और सिटिंग प्लेस भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी स्पेशियस मास्टर बेडरूम है। यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ इस मास्टर बेडरूम का कम्प्लीट विजिट, ये खूबसूरत हैंगिंग लाइट और ये सीलिंग का डिज़ाइन। मजीद ये है राइट साइड पे इसकी मीडिया वॉल और मीडिया वॉल के साथ ये देखिए काफ़ी बड़ा पूरी वॉल के साइज़ का कस्टम बिल्ड LED मिरर है। और उसके साथ ये है सामने इसका अटैच्ड वॉशरूम, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको इसकी वार्डरोब की स्पेस दिखा दूं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशियस और जस्टिफाइड स्पेस है। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, स्लाइडिंग डोर को आप ओपन करते हैं तो ये काफ़ी बड़ी साइज़ की यहाँ पर वार्डरोब्स को बनाया गया है। और इधर राइट साइड पे भी मर्करी ग्लास को लगाया हुआ है, मर्करी ग्लास जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, आप बाहर से अंदर का व्यू भी देख सकते हैं।
सो व्यूअर्स, ये है इसकी क्लोजेट, और इधर से लेफ्ट होते हैं तो काफ़ी स्पेशियस इसका अटैच वॉशरूम, जिसमें सामने डबल वैनिटी और ऊपर आप देख लें मिरर लगाया हुआ है खूबसूरत। इधर आप होते हैं तो ये है इसका क्यूबिकल शावर रूम, उसके साथ जकूजी को प्लेस किया गया है, और ये है इसका वॉल फिटेड कमोड। व्यूअर्स, लग्जीरियस इसका मास्टर बेडरूम है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस। और इधर से बाहर आते हैं तो इधर डोर का डिज़ाइन भी आप इसका चेक कर सकते हैं, ये देख लें। और इधर से बिल्कुल सामने इसका सेकंड बेडरूम है। इस बेडरूम में आप एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे मीडिया वॉल है, और राइट साइड पे बहुत खूबसूरत इसका बेड प्लेस किया गया है, और बेड वॉल भी बहुत ही एलिगेंटली डिज़ाइंड है। राइट साइड पे हैंडक्राफ्टेड पेंटिंग है, हर चीज़ कस्टम बिल्ट है, इम्पोर्टेड फिक्सिंग है पूरे घर में। और ये है इसका अटैच वॉशरूम, ये मीडिया वॉल है, मीडिया वॉल के बैक साइड पे ही अटैच वॉशरूम है, जिसमें कोरियन की बनी हुई वैनिटी, ऊपर मिरर, और उसी के साथ मिरर के पीछे भी मिरर है जिसकी बैक साइड पे रॉप लाइट को लगाया हुआ है। सामने देख लें शावर रूम को सेपरेट किया गया है कमोड एरिया से। मजीद इधर राइट साइड पे होंगे तो वार्डरोब की स्पेस है, ये आप चेक कर लें, ऊपर से लेके नीचे तक काफ़ी ज़्यादा हाइटेड है, और यहाँ से प्रॉपर आपको इस बेडरूम का व्यू मिलता है। ये मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ, ये देखें व्यूअर्स। इसी के साथ इस घर के ग्राउंड फ्लोर का टूर कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे इस घर के फर्स्ट फ्लोर के प्लान की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पे आपको 3 बेडरूम्स मिल जाते हैं, और उसी के साथ साथ मेड रूम को बनाया गया है, लॉन्ड्री रूम को भी बनाया गया है, और स्टोर रूम को भी फर्स्ट फ्लोर पे ही बनाया गया है। ये है इसकी डबल हाइटेड लग्जूरियस लॉबी का व्यू। और इधर से अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के प्लान की तरफ। वॉल पे कम्प्लीटली नोवा पेंट का यूज़ किया गया है, खूबसूरत ये लाइट्स देखने लगाई गई हैं इधर स्टेयर्स के रास्ते में। और आप जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, इधर से पहले हम लेफ्ट होंगे तो एक बेडरूम है। इस बेडरूम का आप सिटिंग एरिया देख लें, टोटली इसका जो डिज़ाइन है वो चेक कर लें। लेफ्ट साइड पे ये है बेड, बैक साइड पे बेड वॉल देख लें, वुडवर्क जिसमें ब्रास का काम अगेन यूज़ किया हुआ है, और जो के जो कलर आप देख रहे हैं इसके बेड वॉल पे वही कलर फॉलो करता हुआ इसके सीलिंग तक भी जा रहा है। और ये राइट साइड पे है इसकी मीडिया वॉल। इधर सामने है इस घर का फ्रंट एलिवेशन, और ये है अटैच्ड वॉशरूम, जिसमें लेफ्ट साइड पे कम्प्लीटली आपको वार्डरोब की स्पेस दी गई है, और उसके साथ कमोड एरिया, उसी के साथ शावर रूम, और ये है इसका वैनिटी और मिरर, ये स्पेस भी आप चेक कर लें। ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत तरीके से घर को ओवरऑल कंस्ट्रक्ट किया गया है। इधर से बाहर आते हैं तो कुछ इस तरह का व्यू आपको लॉबी का नजर आता है। और यहां से आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं राइट साइड पे आपको दिखा दूं, ये है लॉन्ड्री रूम, और लॉन्ड्री रूम के साथ ही ये है स्टोर रूम। स्टोर रूम के साथ मेड रूम भी फर्स्ट फ्लोर पे दे दिया गया है, जहाँ पे एसी भी लगाया हुआ है, वार्डरोब की स्पेस भी है, और ये है इसका अटैच वॉशरूम। वॉशरूम से बाहर आते हैं तो राइट साइड पे विंडोज हैं, जो कि हमें ओपन टेरेस की तरफ एक्सेस दे सकती हैं। आप इसको ओपन करेंगे तो आप अपने ओपन टेरेस को एक्सेस कर सकते हैं। ये मैं कर्टन्स को हटा के इसके ओपन टेरेस का व्यू दिखा रहा हूँ आपको। इधर से आगे चलते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त व्यू आपको मिलता है। आप इधर राइट साइड पे भी विंडो दी गई है, इधर से भी एक्सेस कर सकते हैं ओपन टेरेस की, और इधर से भी जा सकते हैं। मज़ीद यहाँ से आप जब आगे आते हैं तो ये है आपके फर्स्ट फ्लोर का सिटिंग एरिया, या जिसको आप टीवी लाउंज भी बोल सकते हैं। इसका सिटिंग पैटर्न देख लें, खूबसूरत हैंगिंग लाइट विद ब्यूटीफुल सीलिंग डिज़ाइन, एलिगेंटली डिज़ाइन सिटिंग एरिया। लेफ्ट साइड पे मीडिया वॉल है, जहाँ पे मैट ब्लैक फिनिशिंग में टाइल्स को लगाया गया है, और इलेक्ट्रिक फायर किट भी बनाई गई है, ये देख सकते हैं। और सेंटर में देख लें डेकोरेशन पीसेस, और जो रग का नीचे कलर है वो आप देख सकते हैं, कर्टन्स में भी यूज है वो कलर, और जो कुशन है उसमें भी, और ये जो डेकोरेशन पीस यानी जो प्लांट रखा हुआ है इसमें भी वही कलर आपको नज़र आता है। और ये बड़ी कमाल की जगह आपको इधर मिलती है कि ये फर्स्ट फ्लोर को जो टीवी लाउंज है उसी के साथ किचन और मिनिमलिस्टिक डाइनिंग एरिया भी आपको मिल जाता है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप देख लें यहाँ पे सिटिंग सोफ़ास रखे गए हैं, यहाँ पे आप
किचन को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ये देखें, ये है ओवरऑल स्पेस का व्यू। सामने बहुत ही खूबसूरत कंसोल है, ऊपर हैंडक्राफ्टेड पेंटिंग, उसी के साथ ब्यूटीफुल मिरर और ये ब्यूटीफुल हैंगिंग लाइट। एसी सामने भी लगा हुआ है और ये देखें काफ़ी स्पेशियस सा किचन आपको ओवरऑल मिल जाता है वाइट और ब्लैक कलर की थीम में। सेंटर में यहाँ वैनिटी कह रहा हूँ वॉश बेसन है और इधर से आप इसके फ्रंट टेरेस का व्यू भी देख सकते हैं। व्यूवर्स, ये है इसके टीवी लाउंज का एरिया। इधर से बाहर आते हैं स्लाइडिंग डोर को ओपन करके तो ये सेकंड बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर का। फ्लोरिंग अगेन कम्प्लीटली वुडन की है, बहुत ही खूबसूरत। सामने आप चेक कर लें बेड वॉल जिसके आगे बेड को प्लेस किया गया है और उसके राइट साइड पे सिटिंग चेयर्स हैं ब्यूटीफुल थीम के साथ और उसी कलर को मैच करते हुए कर्टन्स हैं। खूबसूरत इसका सीलिंग का डिज़ाइन। राइट साइड पे ये है इसकी मीडिया वॉल जहाँ पे सॉफ्ट कुशनिंग की गई है और साथ में मिरर का भी यूज़ किया गया है और उसके आगे यहाँ पे स्पेस आपको मिल जाती है जिसके आगे ऊपर ग्लास का काम है और आगे यहाँ पे ग्री कंपनी का रिवर्सिबल इन्वर्टर एसी भी आपको मिल जाता है। ये यहाँ से भी मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ और ये है इसका अटैच्ड वॉशरूम जिसमें राइट और लेफ्ट साइड पे क्लोजेट है। बिल्कुल सामने क्यूबिकल शावर रूम और क्लोजेट के यहाँ राइट साइड पे इधर आप चेक कर लें, ये है वॉल फिटेड कमोड और ये है इसका वैनिटी का एरिया। बहुत ही खूबसूरती से इस एरिया को ओवरऑल बनाया गया है, ये आप चेक कर सकते हैं। कोरियन की बनी हुई वैनिटी यहाँ पे लगी हुई है। व्यूअर्स, ये है इसका सेकंड बेडरूम और इधर से बाहर आएंगे तो थोड़ा सा राइट हो गया, बिल्कुल सामने थर्ड बेडरूम जो कि इस घर का फिफ्थ बेडरूम है। इसकी भी तकरीबन जो डायमेंशंस हैं वो तकरीबन सेम ही है जो कि ग्राउंड फ्लोर का आपने मास्टर बेडरूम देखा था। खूबसूरत पहले इसका सीलिंग का डिज़ाइन भी कम्प्लीटली देख लें। फ्लोरिंग वुडन की, सेम वही पैटर्न जिस तरह नीचे वाले मास्टर बेडरूम में आपने देखा। काफ़ी बड़ा यहाँ पे कस्टम बिल्ट एलईडी मिरर और उसी के साथ मीडिया वॉल। साथ में ये है राइट साइड पे खूबसूरत बेड प्लेस किया हुआ और बेड वॉल देख लें, सॉफ्ट कुशनिंग, ग्लास और ब्रास का काम किया हुआ है ओवरऑल। और ये है सीटिंग प्लेस। सामने इस घर का फ्रंट एलिवेशन है और इधर आप देख लें ब्यूटीफुल हैंगिंग लाइट। ये सेंटर में आप देख सकते हैं डेकोरेशन पीसेस को रखा गया है। एक एसी इधर लगा हुआ है ग्री कंपनी का और एक एसी को इधर लगाया गया और वही चीज़ जो नीचे मास्टर बेडरूम में भी आपने देखी थी उसी तरीके से इसके भी जो वॉकिंग क्लोजेट है यानी इसका जो वार्डरोब एरिया है उसको उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट भी एंटर करती है क्योंकि ऊपर टेम्पर्ड ग्लास का यूज़ किया हुआ है। ये है इसकी वार्डरोब की स्पेस और उसी के साथ अटैच वॉशरूम। इसमें सामने डबल वैनिटी विद डबल एलईडी मिरर्स, नीचे सुपर ग्लोसी टाइल्स की फ्लोरिंग है और ये है वॉल फिटेड कमोड और ये आप देख सकते हैं खूबसूरत जकूजी को प्लेस किया गया है। ये आप देख लें, मैं इधर कम्प्लीटली इसका जो वॉशरूम का डिज़ाइन है वो आपको दिखा रहा हूँ। वैनिटी के साथ ही क्यूबिकल शावर रूम है और सुपर ग्लोसी टाइल्स का ओवरऑल यूज़ किया हुआ है इस वॉशरूम के अंदर। सो व्यूअर्स, ये था इस घर का कम्प्लीट हाउस टूर। इस घर की डिमांडिंग प्राइस मैंने आपको बता दी है, 35 करोड़ रुपए इस घर की डिमांड है। प्राइस इसके नेगोशिएबल है और पीछे बैक साइड पे दो सर्वेंट क्वार्टर्स भी बनाए गए हैं। पूरे घर का हाउस टूर आप कर चुके हैं, अगेन मैं रिपीट कर दूं, लोकेशन बहुत ज़बरदस्त, 70 फीट रोड पे, डीएच राया गोल्फ कोर्स और फेयरवेज कमर्शियल के बिल्कुल नियरेस्ट ये घर लोकेटेड है। और इस घर के विजिट के लिए और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर रابطہ कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इन फ्यूचर भी आपको मजीद खूबसूरत घरों की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।